1688 घड़ी आपनी एक घड़ी तो वह 22.5 मिनट की और ब्रह्मा जी की एक घड़ी वह 432,000 वर्ष की। ब्रह्मवेता पुराण लेख है और भगवान शंकर की एक घड़ी वह 120 वर्ष की। मां दुर्गा हर घड़ी अवतार लेती आई है। दुर्गा का 1688 अवतार हो चुका, 1687 नंबर करणी माता देश नो और 1688 नंबर इंद्रबाई सा खोड़, 1688 अवतार है। लास्ट में तो अवतार एच का भगवान राम आर एच साल एच का तो 23 हो है, 24वां अवतार बाकी है। जो 1,02,000 वर्ष घटे गुजरात सांबा मोसी 23 अवतार वे वरण अधारण ब्राह व्यास दत्तात्रेय शरद कुमार नर नारायण जानिए ध्रुव पृथ्वी ऋषभ देव गरीब पुनि कर्मठ कपिल देव नारद हुमानिए परशुराम सियानाथ बुध हु कलंक की जान भाके विश्वानंद राम एही विधि चारी दिस कोई पूछे तो बखानिए। राग छत्तीसो मान के राग 6 राग 36 राग नहीं बताइए, राग छत्तीसो मान के सो हम बिंदु दीन, दीन नाम दो को है, दो बिंदु लगाओ जना 36 के दो बिंदु लगा देना 36 हो गया। मास एक आगे धरो, एक महीने में दिन कितना 30, अवगुण निकालो 3, अवगुण 3 काट देना 30 मु 3 काट देना कितना रहा 27, 3627 घड़ी। आपने ही चक्कर है, भगवान ब्रह्मा की उम्र तो 130 वर्ष है, थारी 120 है, मेरी 120 है, शंकर की 120 है, सारा की उम्र एक जितनी है। चलो सह बता ब्रह्मा जी के विश्वकर्मा जी के 5 लड़का हा और हर चीज में फेर है। अभी जी आप कहानी कौशल्या सुमित्रा के कही कहानी, राजा दशरथ के 3 रानी थी, अंगो नाम ओ हो ही कोई, कौशल्या को नाम कांतिमती हो और सुमित्रा को नाम गुणपाली और केकई को नाम परमाता और विश्वकर्मा जी के घर है जकांगो नाम कुंदन हो कुंदन, बाद में जिया चेंज होता है नाम। आप गई साहब कौशल देश को राजा हो बना, आप गई साहब कौशल्य राख दियो। भगवान राम के की भगवान राम के बहन ही भगवान राम के भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अंग बहन ही जकी को नाम हो शांता। हर चीज में आप छोटी सी बात कर लिया ए देवता जका बने ए किशो किशो जीव है जको देवता बने। रोजाना कड़ाया मुंडी मारी जड़ी रहे देवता तो कोनी बने। व्यतिपात योग गर करण गंडमूल नक्षत्र शुक्ल पक्ष ब्रह्म मुहूर्त और पंचक अंग मां जन्म वेड़ो वे जो कोई देवता बने बाकी बने कोई जिया उथे मंदिर बनाई हुए। जमीन 4 प्रकार की होवे, सम परसेंट गज परसेंट दंत परसेंट
सम परसेंट, गज परसेंट, कुरंड परसेंट और दयंत परसेंट। सम परसेंट की जमीन हो गए बिमई जिया आपनो मकान बनावा जको आवश्य मंदिर द्वार बने जको सम परसेंट में बने बाकी बने को गज परसेंट में, दयंत परसेंट में, कुरंड परसेंट में। अभी जी हाँ कौरवा पांडवों को युद्ध हो अपनी पृथ्वी जिसकी गुणसास पॉइंट 6 करोड़ जोजन है, 6 करोड़ जोजन है जिसकी तो पृथ्वी अलग है, पेड़ पौधा अपना मकान आंधी आवे चार कुंडा रेत लाजे पानी के सागे बगे बा अलग है, गुणसास करोड़ जोजन जिसकी पृथ्वी जिसकी मौजूद है। युद्ध अठे क्यों हो आज जमीन कुरंड परसेंट, कुरंड परसेंट जगह में भाई भाई ने मार सके नहीं तो हथियार गेल के। 18 दिनांगो महाभारत युद्ध, 18 महाभारत का पर्व, 18 दिनांगो युद्ध और 1800 एकड़ जमीन कुरंड परसेंट। एक भजन कह दियो बस को शीतल और भगवान के राम के बहन और बैठे बता बता दियो नहीं ओके लगा के। ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचना करनिया ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को मनु अभी जी हां एक बाणी कही, सत्संग रूपी बाणी कही, सत्संग तो खैर करी है, सत्संग सुनाइया बाकी सत्संग करनी जे आ पूछ ले। सत्संग करनियो आदमी एक ही बात कह भक्ति करनी चाहिए, अरे भी जे आ पूछ ले का भक्ति कूनी भाई तो काता मिल जाए, भक्ति कौन आखिर ना करे जानी। ब्रह्मा जी को मनु, मनु को कुबेर, कुबेर को मारीच, मारीच को त्रिशंकु, त्रिशंकु रो उतान पात, उतान पात के ध्रुव और भरत दो लड़का पैदा हुआ, भरत के गरिया भक्ति पैदा हुई ब्रह्मा जी की छठी पीढ़ी में। अपने ही देश को नाम पहली भारत को नहीं हो मारला जगह समाज आए नहीं छोटी के गांठ दिए दिया बे कठी समरी करावे जना देख लिया सुन लिया बे ले नाव पहली आओ आर्यावर्त जमुदी जे भारत खंडे बाद में भारत पड़ियो और मारे सागे तो बामणा सागे तो ये ही घनी को जीवे ठेठ नहीं होती आई बाकी मैं तो कंडी जाते दिखावे बापड़ी ए कोई चौधरी बाबू थारो मन मुंह कौन दिसे थे थोड़ा उन्ना जो नहीं आदमी आपा थोड़ा ही ना थे कैसे जिया सुनाए सुखे मेरे जे सम आ जाओ नहीं क्या बात है। एक चौधरी बाब बस हालो है लामार तो बगे कतीर था बस जावे 5000 रुपया किराए दो सवारियां को भाई मोटियार लुगाई तीर्थ जा तो 5000 रुपया भक्ति तीन प्रकार की हो गए सकाम भक्ति निष्काम भक्ति और जड भक्ति आपा कहानी बंगू ज्ञान जिया जड भक्ति हो गए घरे घर आई घर में बिंगी चाले बा बोली बा बस हेला मारे तीर्थ साले बोले रिपियो को नहीं एक ही करना बोले हे मशान नगरी लियो हे मैं कने के बुरे भाई कन की कने गया को पीसा देखो 5000 रुपया पड़े ले जा किरायो कितो 5000 डोकरो बोलियो 5000 रुपया किरायो मिलियो यार 5000 रुपया वसारो किरायो ले आपने कन तो चा पीने वाला पीसा ही कोनी बोलियो राशन पानी घड़े बना के ले लिया तो के कोई मंग तो भिखारी मिल जाए तू एक सोगन काट दियो जिया कई आदमी अंग सुनने की सोगन है नहीं जागन सत्संग सोगन काट दी सोगन काट दी बस में चढ़ गया तीर्था गया बट प्रण कर लियो कि गांव जानता पान दो दादा जी माजी
गांव जागे दो पंडित जी माजू ब्राह्मण संकल्प कर लियो। रस्ते में मोटियार लुगाया बात करी, बोले दादो गम नहीं कोने जिमाया कि नहीं। बोले दादे ने जिमाया पहले तो जीम नहीं कोनी, अब दो तो जी बैर एक छोटो टाबर उड़ो चुंगाड़ा तीर। एक दिन निकल गयो रोटी पानी को काम कोनी, दूसरो दिन निकल गयो रोटी पानी को काम कोनी। जाट के जाटनी शानी वे जाटनी घर चलावे थे कोई भरोसा ना रहे भी मेच लवा बा जाटनी बोली है हो थे को तो दो आटे का दादा बना दियो आटो ओषण के दो दादा बनाए अल्ले आटे का दादा ठहरे थोड़ा ही ठहरिया कोनी साइड में तड़को सा जुड़ो। बोली थे को तो तेल में खड़काड़ दो दोनों तेल में खड़काड़ दिया तेल में खरकाट के त्यार ही भी टेम दो ब्राह्मण क्यों आ गए निशीत में। गराड़ो बोलियो आदमी पांच ग्यारह सौ तीन आदमी आगी है हूं मास्टर जी दुकान जाऊं दो आदमी को सामान और लिया हूं पांच सौ भोजन कर लिया। अब छोरो भूख मरे अरे बे दादा तड़केड़ा बोले माऊ तू कह तो एक दादो हूं खा लू कह। बा बोली बेटा तेरो बापू आजे तेरो बापू आजे दुकान गेड़े एक तू खा ले रे एक हूं खा लू। डोकरा तिबारी में बैठे मां विचार कर अपाठ चाह पानी पीण में बढ़िया ए खान की बात करे जेब तो सालो भीरिया भीरिया सोच रही आऊं तो पूछो कि दादा ने किन गया कि बे तू डेल वाले मार्ग निकले भूख हो वो लारे भाजियो बीस एक पाउंडा उजिया रहे नो कहो दादा ठंडो तीन दिन को भूख हो मुझे जाने ओ पकाई खश छोड़ने को उनके तो मारे सागे तो गणी खोजी वे गणी जगिया वे बोलो बजरंग बली की जय। जय जय राम धामाधिपति अवतारन पतिरा सकल सिद्धिपति जानकी तो दासन पति हनुमान दास गणाई वे भगत गणाई वे बाकी हनुमान जी जीशु दास हुए को नहीं। हनुमान जी को एक भजन मेरो बनाएडो कू थाने बार बार मैं सुमरण करता तो सुनिए पवन कुमार बाबा सुनिए पवन कुमार भव सागर में डूबे नैया तुम ही लगा बहुत ही गुंड बात है कहते बढ़िया रो
तुलसीदास के साथ में ऐसा बतून किया हो, तुलसीदास के साथ में ऐसा बतून किया हो। चित्रकूट के घाट पे राम मिलाप दिया, खुशी हो मेरा जिया, और के बोला रामायण रामायण रच दिल लिखे पंडित करे उचार, राम पंडित करे उचार, भव सागर में डूबे नैया तुम ही लगा दाता पार, भव सागर में डूबे नैया तुम ही लगा पैर तुम्हारा, पैर तुम्हारा ले लूंगा कृष्ण हो अवतार, राम कृष्ण हो अवतार, भव सागर में तुम ही लगाओ दाता पार, भव सागर में
आए राम के सारे काज संकृत अवतारी पवन पुत्र बलवान बाल ब्रह्मचारी चरण झुकाम शीश सरद सुन जो हारे छोटा शर्मा छोटा शर्मा दास तुम्हारा सर दरबार बाबा साला सर दरबार कब सागर में बार बार सुमरा धक्कर सुनिए पवन कुमार प्रभु सागर में डूब नैया तुम ही लगा पहले शरण में की गई है तुलसीदास के साथ में ऐसा वचन किया। तुलसीदास जी महाराज वन में घूमने वास्ते जावे लोटे में जो पानी बचे वो एक आखड़े में डालते। प्रमाणित बात है कि शेया बाटो भर दे टाइम व्यतीत होता 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 आवाज आवे के वरदान मांग। तुलसीदास जी बोले वरदान के चीज वे जानो ही को नहीं घरे जाऊ पूछा था जी करूं आगे वरदान मांगू। तुलसीदास जी घरे वो वरदान तो बतावे और तुलसीदास जी के घरे उनका तुलसीदास जी के घर आए बे एक बात कहे के वचन लेके हर वचन दे दे बिंग बाद में कह दे मन भगवान राम मिला दियो। तुलसीदास के साथ में ऐसा वचन किया और चित्रकूट के घाट पे राम मिला ही दिया। कई दीवार पर लिखे होवे कि सरयू नदी के घाट पे भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घसे अब तिलक करे रघुवीर अभी दिल की बात है। सरयू नदी के किनारे चले जा भगवान राम और लक्ष्मण जी सुंदर सलोनी जोड़ी आसी चकड़ो को लेगी पहली जी को चंदन तिल कर सी वो भगवान राम होशी प्रेत आत्मा आ बात बताने को कारण के चौथो तत्व पानी मिल जाए जना लार ले जन्म की बात याद आ गए। बाली और सुग्रीव आपसी थे भाई पंपापुर गो राजा बाली और सुग्रीव दोनों भाई यार घने ही आदमियों में भेद है कि जिसकी रामायण लिखी वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण लिखी वो भील हो कह नहीं वो भील हो जो तो द्वापर में हुए भाई भगवान कृष्ण के जो बाण लगाए हो नहीं वाल्मीकि वो वाल्मीकि भील हो आ रामायण लिखी जो भील को नहीं वाल्मीकि कुलगुरु वशिष्ठ और अगस्त मुनि ये तीनों भाई अरबियां देखो जना तो अरबियां दासी की संतान हा गनी का पुत्र हा। बाली और सुग्रीव आपसी थे भाई लड़ने लगे दोनों वीर राज के बोताई बट बाली को दिया मराए राज गदी दिलवाई बैर तुम्हारा लेऊंगा जद कृष्ण हो अवतार भव सागर में डूबे नैया तुम ही लगाओ दाता। सीता के सुदलेन आप लंका दाए मां सीता को पतो लगाने वास्ते हनुमान जी जावे लंका पर विजय प्राप्त करे भी टेम बाद की बात है
भगवान राम पूछे सीता ने कि हनुमान तेरो पतो लगायो इन कोई बधाई दीगी। बोले महाराज बधाई तो की कौन दी। बोले आ शाम को जागे आदमी अवेर भी मुझे घरे समाचार करे भी नहीं गंजी मिले किद किद दिनो सही है बेटे मां सीता कन बेजंती माला ही किसी माला बेजंती माला दो प्रकार की है। एक तो जकी अपना 108 मिनी वाली माला उतराद मुंह कर फेरे नी आहा एक बेजंती माला में 6 मिनिया वे शंपी संकी सीपी सीकरी गजदागर और ब्याल और माला से काट दी आ बेजंती माला मां सीता माला दे दे। हनुमान जी महाराज पूछो मातेश्वरी इसमें क्या है। बोले भगवान राम मां सीता तो काम लाग जे और आज कह दिनु कावत चले के फलाणो मुकड़ो बांदर जात। हनुमान जी शालग्राम जी ले गए मिणियों फोड़नो चालू करे बिकिशे मिणियों में राम है दिखा सीता गिरता पूछो हनुमान के करे। बोले भगवान राम देखो कुण से मिणियों में। बोले मिणियों में मां राम होया करेगे। बोले सुना तेरी माला तू ही राख। बोले तो राम खतु वे। बोले राम अठु वे बीतेम आपको शीनो चीर के आपने गरम फोटू लाद चीर के ले जा आप दिखाया राम लखन दरबार बहु सागर में डूबे नहीं या तुम ही लगाओ दाता बार अभी तो गंगी बात है। राम के सारे काज शंकर के अवतारी और पवन पुत्र बलवान बाल जति ब्रह्मचारी दूसरो रिज की माला वैज की 108 मिणिया वे हा 108 ही क्यों या 111 ही उसका 101 ही उसका सुमुख में तो रुपया 101 गला 101 शुभ हुआ 108 क्यों या। राम अंका में ई नाम छोटो नाम कोनी दुनिया में रे भाई साहब का चश्माला बैठे हो नहीं पटेड़ा हो कह 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 को 27 हूं आंख वे रे और मैं 25 हूं 27 25 52 रह गए एक लीक लागे जना राम बने एर आ दूसरो 52 54 कोई आदमी कि नहीं मिले एक ही बात के भाई जी राम राम 54 54 108 माड़ा में मिनिया 108 एक बात। नंबर दो आपनी संस्कृति के हिसाब से लड़की का 4 नाम रखा और लड़के का 5 5 और 4 9 इंडिया की आबादी 135 करोड़ है और आज 200 करोड़ जैसे राशि 12 ही राशि जकी है 12 ही मेघ प्रख मिथुन करक सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन कुंभ मकर मीन 12 नमा 108 माला में मिणिया 108। नंबर 3 भगवान शंकर ने पार्वती पूछे गले में खोपड़िया की माला घालेड़ी के महाराज ओ के तू दे कहते 108 बारी जन्म ले लियो जना 108 मुंडा का रखे। नंबर 4 आपनों से को पंचांग है पंचांग को लार लो एक पानो छोड़ के उड़ले पाने में एक गोल चक्र का जड़ो गात चक्र कह गए बिम 27 खाना बनेड़ा वे खाना 28 होना चाहिए जा थे गोरू सुन ले पीसा ही कमाईड़ा है ए बात गोरू सुन वाली है पीसा बेड़ा कर सको पार के दुख लिया ना छिलोड़ी चोखी मार जे भूख है तो मार कर गी है भाई दूसरे के दुख लियो में तो कहना कर गी छिलोड़ी या का गलत है तो 27 खाना खाना 28 होना चाहिए जा 27 ही क्यों है। भगवान कृष्ण जी की टाइम कुंदनापुर पर निचनो वास्ते जावे भी दिन ज्वालामुखी नक्षत्र हो और भगवान कृष्ण ज्वालामुखी नक्षत्र ने श्राप दियो कि आज के बाद में तू पूरो को निया में तेरी खाली लवर आशी नहीं तो 28 होता है 27 खाने है 27 नक्षत्र का और एक एक खाने में 4 4 नाम दिवड़े माला का मिणिया का 27 का 108 ई बोल के माड़ा मिनिया 108
आठवे अरबी में बेजंती माला में छह शंख की सीटी सीकरी गजदादर और ब्याल और माला से काट की और बेजंती माला। अभी थोड़ा सो प्रश्न है एक कि भगवान राम के बहन ही की भगवान का राम के बहन ही हा तेरा को उष को चौदह को क्यों लियो भगवान राम के बहन ही हरिवंश पुराण 672 नंबर पेज में लेख है। बहन को नाम हो शांता। राजा दशरथ हरिवंश पुराण बताऊं मैं सारी बताऊं कठ परिणी के हुई जकी और बताश सुसरे को के ना हो दादेर सुसरे को के ना हो हरिवंश पुराण उल्लेख है। राजा दशरथ गर रानी कौशल्या और अंग देश को राजा रोमपत ए दोनों साधु हुआ साधु हा आपनी संस्कृति है आपने घरे कोई बच्चों पैदा हुए या शादी करके कोई बीनड़ी जामा बीठे मुझे कोई अच्छो काम मुझे जना पाके काम सोन खुरी है भाई पग मेलता है यार गा ब्या गई यार जे बाछड़ियो मर जे जना खुल डुपगी है। राजा दशरथ गए और इंद्र के कटाक्ष शांता को जन्म न हुयो और बरसात बंद होगी। साल बीत गयो दो साल बीत गया तीन साल बीत गया जना कलंक लागे शांता पर के आ जामी जा बाद में उड़ के सांट को निपुड़ी जना मोशी ने गोद दे दे और अंग देश को राजा हो जके प्रणाई बिन सरंगी ऋषि ने सरंगी ऋषि के पिता को नाम हो विभांडक सरंगी ऋषि के पिता को नाम विभांडक। टाइम बीत तो गयो बीत तो गयो बीत तो गयो विधि विधान के हिसाब पंडिता ने पूछा यज्ञ करवावे और लारू राम लक्ष्मण ए हुए 22 वर्ष कीते मुझे शांता ने बीते अंग देश को राजा रोमपद जग को झुमाई सरंगी ऋषि और शांता यज्ञ कराने वास्ते आवे और पूछे राम लक्ष्मण के बारे में कहे तू मैं कहे तेरा भाई बीटे में शांता श्राप दे कहे मन मेरे भाया 14 साल विमुख रखिए थाने 14 साल आऊं विमुख रहना पड़ से ओ श्राप शांता को बहन को हो बाकी की कोई कोनी हो लिखित में देखो तो देख लिया दूसरी बहन इसकी को ना हो कुकु भी जकी को प्रमाण भाई मिलड़ो कोनी मन प्रमाण बिना को खोज देख ले कठी बीड़ी पी जाएंगे हाँ प्रमाणित चीज है कितना नंबर श्लोक में जकी बता सुन बात जीती कृष्णु जीती बिल्कुल लिखी थी गिनती तो सगला ही जाने ए तो पढ़ेड़ा है कोई किनी तो एमए करेड़ी है किनी किनी बीए है किनी एलएलबी है वो तो एक दृष्टांत है। एक राजा राजा के लड़की और लड़की की उम्र 15-16 साल हो जाए राजा रानी आपस में बात करे कि लड़की गोकटी रिश्तों करो ये शादी करा ब्याह वाली हो गया बेटी मां ने हर बात पूछ सके पिताजी पास है अभी तो मां ने पूछो कि थेर बापूजी के बात करा कि तेरी शादी की बात करा बात लड़की के जवाब दे कि मेरी शादी यानी मेरे वास्ते थाने लड़को ढूंढनो को दे जना कई तो यही कह दे भाज की ढूंढनो को दे। माता राम पूछो बेटा तो कह स्वयं पर राख दे और स्वयं पर की शर्त एक है कि जको सज्जन 20 ताई गिनती जाने
जके सागे शादी करी। अब अब्बाड़े दाई छोरियां की काट मार्ग टूटे चारा खाना बुझे के फलाने राजा के लड़की है जो की शादी करी 20 ताई गिनती जाने जके सागे मैं तो ब्याह करने जाऊं बो ब्यू मांगे और बो ब्यू मांगे। कोई तो अंग्रेजी में कोई हिंदी में कोई मद्रासी कोई तमिल में कोई फारसी में कोई बंगला में कोई मोडिया में भांत भांत की गिनती गिने कैंसल अंदर कर दियो। एक कोई जिज्ञासु खेत में खड़ो अरबे कोई रस्ते भगवान ने पूछ लियो बोलो किन्ने जाओ बोलो राजा की लड़की ओ स्वयंवर रखे आ शर्त है बोलो कोई जात पात को कारण होगी बोलो ना कोई ओस त्यागो बोले कोई कोई कोनी ओस त्यागो जको 20 ताई गिनती जाने जके सागे शादी करे चलियो जावे लड़की आजे अरबो बिन पूछे के भाई 20 ताई गिनती करे जके सागे तू ब्याह करेंगी बोलियो हां बोले तो मैं गिनो तू सुनती रहे हाथ पकड़ बिनिया को पूरी सृष्टि में ईश्वर एक है परमात्मा एक ही है चाहे अमेरिका उड़ जाओ दो कोने सूर्य और चंद्रमा दो ये तीन कोने ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देव तीन लोक तीन ताप तीन गुरु और तीन भांत की भक्ति अशोतन चले चार वेद चार वाणी चार खेण चार दिशा और चार अवस्था पांच तत्व का रंग पांच तत्व का बीज पांच प्रकृति पांच भेद पांच भ्रांति छह शास्त्र छह दर्शन सात भूमिका सात दीप सात सती आठ जति नौ निधि नवदा भक्ति दश द्वार ग्यारह रुद्र बारह महीना तेरह रतन चौदह विद्या पंद्रह माया सोलह कला सत्रह तत्व अठारह पुराण उन्नीस विष्णु और बीस मोहनु। अब तेरे जजत पास होते ब्याह कर लेके इक्कीस प्रकार की युक्ति बाईस प्रकार की मुक्ति तेईस अवतार वेड़ा है चौबीस मो बाकी है पच्चीस प्रकृति सताइस नक्षत्र उनतीस धर्मजिया विष्णु तीस दिनांगो महीनो साले सोता ही हर एक एक ही सोता ही चले जन दस हजार उजिए दिन उपजे देखो यहां है ऐ चीजा मन पूछो आज की बात है मेरु छोटी भाई दे मारे बो राम निवास पाटम दे सरपण नायडो ने कहो राम निवास के सास रावण सगड़ा जानेंगे मैं कहो ना तो के तू ब्रह्मा जी को तू बाप बता दे बेटो बता दे बीस पीढ़ी बता दे बात साली या के राजा हरिश्चंद्र भगवान ब्रह्मा जी की 127वीं पीढ़ी में और भगवान राम की 27वीं पीढ़ी में बात साली बा भागीरथ पर भगवान राम दशरथ अज रघु 10वीं पीढ़ी में बताई खड़क बाबू दीर्द बाबू मलूक अश्वमन अंशुमान से भागीरथ गाए राजा शगर का राजा शगर मैं तो दशरथ हरिश्चंद्र की सत्ता ही नहीं भागीरथ कितनी पीढ़ी हुई है यूं पूछा भगवान राम दशरथ अज रघु दलीप और भागीरथ ये नहीं भागीरथ की कितनी पीढ़ी छठी पीढ़ी छठी पीढ़ी मावे कोई कभी इकट्ठी देख ले और सगरे जो दसवीं पीढ़ी में जना मन बोले बा मैं नाम तू जाने कोनी आ है क्यों बदले मैं को पीसा खाकर बे पीसा कौन दे हर अंगा पीसा दियो
क्यों आ है जड भक्ति, जड भक्ति। एक भाई राम कोई तीर्थ प्रण करी आयो, कोई महात्मा भगवान को रूप मिलाए बनाए डार मिलिया, बोलिया बच्चा कुछ देना, को दिए नहीं चिराग का शोगन का डेढ़िया जा कोने, बोलियो खाली मैं ही कौन जाऊं, बोलियो तो गांव आ जाए दो रोटी को आटो दे दियो, बन जाने ओ के गांव आवे तो भगवान तो संदृष्टि आज जकी टाइम भाई राम गांव पुग्यो भी टाइम मोटे आर लुगाई दोनों बैठे आर बो साइड में वान तो दिश आपस में बात करी, बोलियो गंगा जी वालो मोदी है आ गयो, बोलियो के करा, बोलियो अटकल तो मैं बता दू थे मर जाओ अरे ऊपर गाबो गाल दू कुकुनो सालू कर दू जना ओ के आटो थोड़ो ही मांग कयो जच गयो काम आप तो सो गया दिखना सिराणो करके ऊपर गाबो गाल दियो रोनो सालू कर दियो भगवान ने ठाव दिया तो बात बना में आर बोले बेटा के हो, बोले तो चल गया, बोले कोई बात नहीं सो जान अरे सो काम रे सो जान रे एक काम आईडा जाग में तो जाइयो विचार करी भी काम अमलो हो गयो बाश का था सकर पड़िया तो बांध दियो छटकेर बांध एक बैठे छोरे विचार करे भी अन जीव तन ले जी साइड में कर बोले बाबा को मुंह देखनो सब कान सारा उर बोले बाबा बांध दिया बोले मौडियो कठे है बोले सोखी पर है बोले बांधवा ना चक्र भीरिया आधे घंटे ले गया सारो मरावे बाद जगह आई विचार करियो आधे तो आ गयो साइड में कर बोले बाबा आदि तू आ गयो बोले मोडियो कट है बोले शाग ही मरे है बोले ले जान दे आगे ले गया आगे लुख हथियार खड़िया आखरी जचा के छांसो दे के गंगा जल को श्री राम लिख बो शिको नाक अर जचा दिया छोरे विचार करियो दियो बे अग्नि उत्पन्न करेड़ी बाड़ी और सारे उर बोले बाबा अग्नि तैयार कर ली बाड़ी बोले मोडियो कट है बोले उठ ये शक है बोले बाल मारे भगवान विचार करियो सच से ही बड़ी साधु को रूप बनाएडो अरबान कहो थे थोड़ा साइड में वो कान सार उर बोलियो जीव तो क्या नहीं बड़े बोले तू दो रोटी काटे खतर मरे एक शो तू दो रोटी काटो ही छोड़ दे बोलो बजरंग बली की जय साप आओ मारे गा में तो जागण में नहीं रहना तेरा साप बढ़ावे सदाई राती जो को जेतलु सुधरे खेती सुधरे भाव और काम शेठी सब सुधरे जागण सुधरे साव सा बिना जागण आयो कोई नहीं कोई हाजरी कौन लगे ले एक छोटो को भजन कह दू कितन सा आज आज महाराज